नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। चलते अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे में। बात की जाए हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला जिले की, तो आपको बता दें कि इन जिलों के मौसम में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहां पर शीतल हवाएं चलेंगी, वहीं पर बादल आवाजाही के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की छिटपुटे बारिश का पूर्वानुमान भी इन जिलों के लिए जारी किया गया है। ठंड बढ़ने की आशंका है। दिन के समय अधिकतम तापमान 16 डिग्री और रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 4, 5 या 6 डिग्री सेल्सियस बना रहने की संभावना है। हवा की गति यहां पर 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। अब देख लेते हैं हरियाणा के हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जींद जिले को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के मौसम में भी भारी बदलाव देखने को मिलेगा। जहां पर 10 जनवरी की सुबह ही लगातार बादल आवाजाही के साथ साथ हवा की गति भी 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और एक दो स्थान पर हल्की छिटपुटे बारिश भी इन जिलों में देखने को मिल सकती है। बात करें तापमान की, तो दिन के समय अधिकतम तापमान इन जिलों का 17 डिग्री और रात के समय न्यूनतम तापमान 6 या 7 डिग्री सेल्सियस बना रहने की संभावना है। अब देख लेते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले को। जी हां दोस्तों, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 10 जनवरी को यहां पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल छाए रहेंगे, हवा की गति सामान्य रहेगी, तापमान में भी इन जिलों में गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें 11 जनवरी की, तो जी हाँ दोस्तों, 11 जनवरी को ठंड बढ़ने की आशंका है। शीतल हवाएं चलेंगी, बादल आवाजाही कुछ एक जिलों में देखने को मिलेगी, लेकिन 11 जनवरी को बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। तो ये थी हरियाणा वासियों के लिए मौसम की जानकारी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या राय वो हमें जरूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।